भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों फिल्म रंग दे बसंती को लेकर काफी सुर्खियों में है। 10 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने एक हफ्ते में ही तकरीबन 80 लाख से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। ऐसे में आज भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है। खेसारी की कोई भी फिल्म हो या गाना रिलीज होते ही वो एंटरटेनमेंट के तौर पर छा जाता है। यही वजह है कि उन्हें हिट मशीन भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं शत्रुघ्न से खेसारी बने अभिनेता इंडस्ट्री के टॉप और हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। वो सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि स्टेज शोज से भी मोटा पैसा कमाते हैं। चलिए जानते हैं उनके कमाई के बारे में। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक महीने में 3 से 4 स्टेज शोज कर लेते हैं और एक स्टेज शो के लिए तकरीबन 10 लाख रुपए बतौर फीस लेते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि अपने करीबियों से ये फीस कम लेते हैं, उनसे केवल 3 से 4 लाख रुपए ही लेते हैं। ऐसे में देखा जाए तो खेसारी लाल यादव एक महीने में 3 से 4 स्टेज शो करके 30 से 40 लाख रुपए कमा लेते हैं। वहीं फिल्म को करने के लिए वो भी अच्छी खासी रकम लेते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर एक फिल्म के लिए तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए चार्ज करते हैं। ऐसे में अब अगर स्टेज शो और फिल्मों की इनकम को मिलाया जाए तो वो 1 करोड़ के करीब एक महीने में ही पैसे छाप लेते हैं। इसके साथ ही अगर भोजपुरी स्टार के म्यूजिक वीडियो से होने वाली कमाई की बात की जाए तो जानकारी के मुताबिक वो एक गाने के लिए तकरीबन 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। फिलहाल अगर खेसारी लाल के नेटवर्थ की बात की जाए तो वो करीब 14 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसमें उनके पास लैंड रोवर डिफेंडर USB है जिसे उन्होंने पिछले साल यानी कि 2023 में खरीदी। इसकी कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, एक्टर के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी भी है। बताया जाता है कि भोजपुरी स्टार के पास मुंबई में 18 से 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव की जिंदगी संघर्षों से भरी रही है। उनका बचपन बेहद ही गरीबी में बीता। जब वो छोटे थे तो खेसारी के पिता चना बेचकर घर का खर्च चलाते थे। वहीं जब खेसारी बड़े हुए तो उन्होंने पिता का हाथ बटाने के लिए भैंस का दूध बेचना शुरू कर दिया था। फिल्मों में आने से पहले उनका नाम शत्रुघ्न था जिसे उन्होंने बाद में बदल कर खेसारी कर दिया था। इसके बाद वो अपने इसी नाम से मशहूर हुए और आज इंडस्ट्री में राज करते हैं। इतना ही नहीं, खेसारी लाल गायकी में काफी शौक रखते हैं। इसके लिए उन्हें फौज की नौकरी तक छोड़ दी। इसके बाद दिल्ली आकर उन्होंने लिट्टी चोखा का ठेला लगाना शुरू कर दिया। यहाँ उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। खुद के पैसे जुटाकर उन्होंने अपनी पहली कैसेट बनाई। हिट होने के बाद भोजपुरी स्टार ने कभी पलट कर नहीं देखा। तो कुछ इस तरह से है खेसारी लाल की जिंदगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।